हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय एक बार फिर से आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस FTR के वीडियो के लिए वेलकम करती हूं। जैसे मैंने आपको हिंदी से संबंधित और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर जो हैं आपको समझाए थे, आज हम एक नए सिरे से थोड़ा सा हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं हिंदी भाषा के प्रश्न में। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर वन ने पूछा है कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन कब किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 14th नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 14th अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 14th सितंबर एंड ऑप्शन नंबर डी 14th दिसंबर। जैसे कि आप सभी को पता है कि 14th सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को संविधान की धारा 343 अनुच्छेद 1 भाग 17 के घोषणा के अनुसार भारत की हिंदी राजभाषा का दर्जा प्राप्त करी थी। चूँकि 14 सितंबर का दिन था, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं। इसलिए इसका आंसर का ऑप्शन होगा आंसर नंबर सी, जो है आपका 14th ऑफ सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है महाप्राण वर्ण होते हैं। अब आपको बता दूं कि हमारे पास वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई है वर्ण, जिसके स्वर और व्यंजन, स्वर इंडिपेंडेंट लेटर होता है, ठीक है, और व्यंजन जो है हलंत वाले वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से पूरे होते हैं। व्यंजन के दो प्रभाव हैं, एक है अंतः प्रयत्न के आधार पर और एक होता है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अंतः प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन, ठीक है, दूसरा होता है हमारे लिए अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा होता है उष्म और संघर्षी और चौथा होता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन को हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आपका कंठव्य, तालव्य, दंतव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ है, ठीक है। तो इसे हमने 5 वर्ग में बांटते हुए देखा है। क वर्ग में है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में है च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में है ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में है त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म, ठीक है। ये हमारे लिए वर्ग हैं आपके क, च, ट, त, प वर्ग, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग में वर्ण हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है। ये आपके स्पर्श वर्ण की श्रेणी में आते हैं, जिसे हम कह सकते हैं प्लोसिव कॉन्सोनेंट कह सकते हैं या स्टॉप कॉन्सोनेंट कह सकते हैं। और जो आपके अंतःस्थ है उसको सेमी वॉवल्स के नाम से भी पुकारा जाता है, और जो उष्म और संघर्षी उसको सिबिलेंट्स कहते हैं, और संयुक्त व्यंजन को जॉइंट कॉन्सोनेंट कहा जाता है, ठीक है। बात यहां पर पूछा क्या गया है कि महाप्राण वर्ण होते हैं। जब हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख से निकलने वाली हवा या श्वास वायु, यदि वह कम मात्रा में है तो वह अल्पप्राण वर्ण बनते हैं, लेकिन यदि वह श्वास वायु की मात्रा ज़्यादा प्रवाहित होती है मुख से बाहर, तब वह महाप्राण वर्ण होते हैं। इच वन कैटेगरी का इवन नंबर, मतलब सेकंड वन एंड फोर्थ वन, ठीक है। और इसके साथ में उष्म वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा या श्वास की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सेकंड एंड फोर्थ, ये हमारे लिए महाप्राण वर्ण बनाते हैं। साथ में इसमें उष्म भी ऐड होता है, परंतु यहाँ पर सिर्फ ये पूछा है कि महाप्राण वर्ण है और यहाँ पर आपके नंबर्स दिए हैं। और एक चीज़ जो आपके इवन नंबर बचे फर्स्ट वन, थर्ड वन एंड फिफ्थ वन, और इनके साथ में यदि हम ले लें आपके अंतःस्थ वर्ण को, ठीक है, अंतःस्थ को ले लें, तो ये सभी हमारे लिए अल्प प्राण वर्ण बनाते हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर बी, दूसरा और चौथा वर्ण होता है हमारे लिए महाप्राण वर्ण। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मजिस्ट्रेट शब्द है, ऑप्शन नंबर ए तत्सम, ऑप्शन नंबर बी तद्भव, ऑप्शन नंबर सी देशज और ऑप्शन नंबर डी विदेशज। आप सभी को पता है कि तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत संबंधी होते हैं।
संस्कृत संबंधी शब्दों का हिंदी रूपांतरण बन जाता है तद्भव। ठीक है, जब हम किसी लोक भाषाओं के प्रचलन के शब्दों को चुनते हैं तो वो है देशज। लेकिन वे शब्द जो भारत के अंदर बाहरी शासकों के द्वारा, बाहरी देशों के प्रभाव के द्वारा प्रभावित हुए हैं, तो ऐसे शब्द जो फॉरेन कंट्री से आया है उसे फॉरेन वर्ड्स कहते हैं। मतलब कि मजिस्ट्रेट शब्द जो है वह यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विदेशज की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टस से मस ना होना। इस मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए कठोर हृदय होना, ऑप्शन नंबर बी अनुनय विनय से ना पसीजना, ऑप्शन नंबर सी जगह ना बदलना और ऑप्शन नंबर डी धैर्य पूर्वक सहन करना। जब हम बात कर रहे हैं मुहावरे की तरह से कि आपको सभी को पता कि मुहावरा क्या है, मुंह से व्यक्त एक वाक्यांश है जो किसी विशेष अर्थ की ओर, लाक्षणिक अर्थ की ओर प्रस्तुत करता है। यहाँ अगर हम किसी व्यक्ति को बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बावजूद अगर वह व्यक्ति हमारी भावनाओं को या हमारी बातों को समझना नहीं चाहता, तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि वह व्यक्ति ऐसा है जो अपने बातों से टस से मस नहीं होता। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी अनुनय विनय से ना पसीजना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। प्रत्यय क्या होते हैं? किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द में एक नयापन लाने वाले शब्दांश को कहा जाता है प्रत्यय। यहाँ ऑप्शन नंबर ए है बड़ा ई, ऑप्शन नंबर बी है नी, ऑप्शन नंबर सी है धानी, ऑप्शन नंबर डी है आनी। तो इसका ऑप्शन होगा एक पर्टिकुलर शब्द है सावधान। ठीक है, इस सावधान में ई प्रत्यय के जुड़ने से यह हमारे लिए शब्द बनाता है सावधानी, क्योंकि नी प्रत्यय एक ऐसा शब्द है जो स्त्री सूचक बनाता है, जैसे मोर से मोरनी, हंस से हंसनी, ऊंट से ऊंटनी। तो यहाँ सावधान में नी प्रत्यय का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, धानी जैसा किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यय होता ही नहीं है। अच्छा, आनी बनाएंगे तो ये आनी भी स्त्री सूचक प्रत्यय है, देवर है तो आनी जुड़ के देवरानी, सेठ है तो आनी जुड़ के सेठानी। इसलिए सावधान में जुड़ने वाला प्रत्यय हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए होगा, जो है हमारे लिए बड़ी ई की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसा स्वादन के लिए अर्थ प्रयोग होगा। ये जो रसा स्वादन दिया हुआ है इसके लिए क्या अर्थ है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो वन वर्ड आंसर को आपको घुमा दिया गया है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है किसी रस से भरा होना, ऑप्शन नंबर बी किसी विषय में मस्त रहना, ऑप्शन नंबर सी किसी रस का उपभोग करना, ऑप्शन नंबर डी किसी बात में रुचि लेना। ये एक वन वर्ड आंसर का क्वेश्चन है जो घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो ये जो रसा स्वादन जो अर्थ है इसके लिए ऑप्शन नंबर सी होगा, किसी रस का उपभोग करना, मतलब रस के स्वाद का आनंद लेना। तो इसका आंसर होगा रसा स्वादन का ऑप्शन नंबर सी, किसी रस का उपभोग करना। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है देवदार शब्द कौन सा लिंग है। मैंने आपको बताया था कि शब्द जिसमें आपके संस्कृत में तीन प्रकार के लिंग हैं, हिंदी में मुख्य तौर पर दो प्रकार का लिंग है। जब हम हिंदी में लिंग परिवर्तन की बात करते हैं तो यहाँ बहुत से शब्द हैं, चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हो, चाहे वो नदी पर्वतों के नाम हो, चाहे शरीर के अंगों के नाम हो, चाहे वो धातु हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, हर एक चीज़ को यहाँ एक भाग में बांटा गया है पुरलिंग और स्त्रीलिंग में। समस्त वृक्षों में यदि हम बात करें तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया है कि देवदार शब्द में कौन सा लिंग है। ऑप्शन नंबर ए है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी है पुरलिंग, ऑप्शन नंबर सी है पुंसकलिंग और ऑप्शन नंबर डी है उभयलिंग। उभयलिंग क्या होते हैं? वे शब्द जो दोनों स्थिति में प्रयोग किए जाते हैं, और उभयलिंग को कॉमन जेंडर कहते हैं जो किसी भी प्रकार का पोस्ट होता है।
जैसे अंग्रेजी के पद होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पद और व्यवसाय हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा निभाए जाते हैं, वही उभय लिंग की श्रेणी में आते हैं, जैसे चिकित्सक, प्रोफेसर, मंत्री, सचिव, संवाद देने वाले, संवाद वाहक यदि हम कहते तो सब हमारे लिए उभय लिंग है। लेकिन अगर हम वृक्ष में देवदार की बात कर रहे हैं तो देवदार हमारे लिए पुल्लिंग है। आम, बरगद, यदि हम कहते हैं पीपल, गुलमोहर, यदि हम कहते हैं यहाँ पर जैसे पारिजात, देवदार, ये सब हमारे लिए पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। अमरूद और अशोक का वृक्ष भी हमारे लिए पुल्लिंग की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग देवदार का आंसर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है कि तीर मारना का अर्थ है, तीर मारना का अर्थ है कहता है, तो तीर मारना एक मुहावरा है जिसके लिए ऑप्शन नंबर ए है युद्ध कला में निपुण होना, ऑप्शन नंबर बी है शिकार करना, ऑप्शन नंबर सी है बड़ा काम करना और ऑप्शन नंबर डी है बाण चलाना। ठीक है, तीर मारना यदि हम कहते हैं तो ये मुहावरे कहते हैं कि इसका अर्थ होता है बड़ा काम करना। जब किसी को कहा जाता है कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने तो तीर ही मार दिया, मतलब कि यहाँ पर तीर मारना का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी बड़ा काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीता की चरित्र अच्छा है, सीता का चरित्र अच्छी है, सीता की चरित्र अच्छी है, सीता का चरित्र अच्छा है। अब यहाँ पर ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर डी है वो शुद्ध है, क्योंकि वाक्यों में कारक रचना संबंधी भी त्रुटियां होती है, विशेषण और विशेष संबंधी भी त्रुटियां होती है। चूंकि चरित्र यदि हम बात करें तो एक भाववाचक संज्ञा और पुल्लिंग शब्द है, इसलिए सीता का चरित्र अच्छा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सीता का चरित्र अच्छा है यह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेपक शब्द होगा, ये भी आपके वाक्यांशों के एक शब्द को घुमाकर पूछा है कि ऑप्शन नंबर ए दूसरे को क्षमा कर देने वाला, ऑप्शन नंबर बी शत्रु पर घातक वार करने वाला, ऑप्शन नंबर सी किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, और ऑप्शन नंबर सी है क्षिप्रा नदी के पास रहने वाला। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, किसी महापुरुष के द्वारा या महाकवि के द्वारा यदि कोई प्रयोग किया गया है उसको पढ़ने के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने तरफ से उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करता है क्षेपक के नाम से पुकारा जाता है। तो क्षेपक शब्द का अर्थ है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें है आपका ऑपोजिट वर्ड्स से क्वेश्चन कि अनुराग का विलोम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए अराग, ऑप्शन नंबर बी वैराग्य, ऑप्शन नंबर सी विराग और ऑप्शन नंबर डी वीतराग। इस अनुराग का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी विराग, क्योंकि अराग कोई भी शब्द का अर्थ नहीं है, साधना का विपरीत होता है वैराग्य, और वीतराग जैसा कोई भी शब्द नहीं है, इसलिए अनुराग का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी विराग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से भिन्न अर्थ वाला शब्द है। अब आपको बता दूं कि पर्यायवाची वाले शब्द हैं कि देखिए ऑप्शन नंबर ए है आत्मजा, ऑप्शन नंबर बी है नंदिनी, ऑप्शन नंबर सी है भार्या, ऑप्शन नंबर डी है कन्या। आपको पता है इसमें से जो चार शब्द हैं वह आपके शब्द हैं, वह लड़की, कन्या, सूता के साथ पर्यायवाची शब्द हैं, किसके, आपके लड़की के। यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है भार्या, ये ऑप्शन नंबर सी भार्या यह आपका यहाँ पर भिन्न अर्थ वाला शब्द है, क्योंकि भार्या का मतलब पत्नी होता है। तो ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी कि निम्न में भिन्न अर्थ वाला शब्द है तो भार्या, क्योंकि आत्मजा, नंदिनी और कन्या लड़की के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फड़फड़ाना, ऑप्शन नंबर बी मिमियाना, ऑप्शन नंबर सी झुठलाना, ऑप्शन नंबर डी हिनहिनाना। आपको बता दूं कि अनुकरणात्मक क्रिया को हम इमीडिएट वर्ब कहते हैं। इमीडिएट वर्ब क्या होता है, जब किसी साउंड,
यानी कि किसी भी आवाज़ या ध्वनि की नकल को लेकर अगर हम उसे क्रिया का रूप देते हैं तो किसी भी आवाज़ या ध्वनि की नकल पर बनने वाली क्रिया को अनुकरणात्मक क्रिया कही जाती है। तो फड़फड़ से बना फड़फड़ाना, बकरी का मे मे की आवाज़ से बना मिमी आना, तो जितने जानवरों की आवाज़ जैसे घोड़े की आवाज़ बार बार उसकी आवाज़ को हम हिन हिनाना कहते हैं, लेकिन यदि हम झुठलाना कहें तो यह एक क्रिया है, स्वयं में एक क्रिया है। इसलिए निम्न में से अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है कहें तो ऑप्शन नंबर सी झुठलाना अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न कहता है घनिष्ठ की उत्तरावस्था है, ऑप्शन नंबर ए घनिष्ठतर, ऑप्शन नंबर बी घनिष्ठतम, ऑप्शन नंबर सी घनिष्ठतर और ऑप्शन नंबर डी घनिष्ठतम। आपको मैंने आपको पहले भी मैंने बताया था कि पहचान कैसे करना है कि किसी भी मूल धातु में यदि तर जुड़ा तो वह हमारे लिए उत्तर अवस्था है, यदि तम जुड़ा तो वह हमारे लिए उत्तम अवस्था है, और कुछ भी नहीं जुड़ा मूल रूप से आपकी विशेषता है तो वो मूलावस्था है। यहाँ दिया है घनिष्ठ, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन नंबर ये है घनिष्ठ, अब घनिष्ठ और घनिष्ठ इन दोनों में अंतर है, यहाँ ठ है और यहाँ ट है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है घनिष्ठतर जो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है घनिष्ठतम ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मतलब कि घनिष्ठ में यदि तर जुड़ गया तो वही उसकी उत्तरावस्था है, तो आंसर नंबर सी। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर हम पहुंचते हैं जहां आपको पूछा जा रहा है एक ऐसा प्रश्न जो आपके वर्णमाला से लिया है, जिसमें है कि निम्न में से कंठव्य वर्ण कौन से हैं, ऑप्शन नंबर ए अ आ, ऑप्शन नंबर बी च छ, ऑप्शन नंबर टी सी क ख और आंसर नंबर डी प फ। तो एक बात बता दूं कि कंठव्य क्या होते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण करते समय, जिस व्यंजन के उच्चारण करते समय वायु कंठ ध्वनि को स्पर्श करके प्रवाहित होती है तो उसे हम कंठव्य कहते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने वर्ग बताया था तो क वर्ग के पांच वर्ण यानी क ख ग घ अंगा ये कंठ ध्वनि से उच्चारित होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क और ख ये हमारे लिए कंठव्य है, क्योंकि अ आ स्वर हैं, च छ हमारे लिए तालव्य हैं, प फ हमारे लिए ओष्ठ्य हैं और य र हमारे लिए अंतस्थ व्यंजन है। अब अगला क्वेश्चन, अगर हम इसी में एक और चीज़ में बता दूं कि अ आ यदि हम कहें तो कुछ पुस्तकों में स्वरों को भी एक स्थान दिया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर। अगर यहाँ पर यह पूछा जाता कि निम्न में से कंठव्य वर्ण कौन से हैं तो देखिए जो चार ऑप्शन आपके तीन ऑप्शन लिए हैं च छ क ख प फ है ना, क्योंकि बच्चे आप इसी में कन्फ्यूज़ होते हैं। कैसे कन्फ्यूज़ होते हैं कि आपको लगेगा कि अ आ भी तो कंठ से उच्चारित किए जाते हैं, हाँ किए जाते, क्यों, क्योंकि स्वरों को भी उच्चारण स्थान के आधार पर कंठव्य तालव्य दंतव्य मूर्धन्य और ओष्ठव्य बांटा गया। लेकिन हम यहाँ अ आ को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो तीन ऑप्शन दिए हैं वो तीनों ऑप्शन हमारे लिए व्यंजन के हैं, तो बहुलता किसकी है, व्यंजन वर्णों की है, इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी क और ख को लेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बहुवचन है, ऑप्शन नंबर ए बाल, ऑप्शन नंबर बी प्राण, ऑप्शन नंबर सी पशु और ऑप्शन नंबर डी लेखनी, ठीक है। और बहुवचन क्या है, ऐसे शब्द जो हमेशा एक से ज़्यादा का बोध कराते हैं। अब आपका प्रश्न कहता है कि बाल भी तो बहुत ज़्यादा हैं, पशु भी बहुत तादाद में हैं, साथ में कलम यानी लेखनी भी बहुत सारी, तो इन सबको बहुवचन होना चाहिए। लेकिन चूंकि लेखनी हम एक ही इस्तेमाल करते हैं, हम 10 पेन से तो नहीं लिखते, ठीक है, पशु हम अगर देखते हैं तो वह समूहवाचक संज्ञा में है, लेकिन पशु हम एक जानवर को कहते हैं, ठीक है। जब हम बाल की बात करें तो हम बाल एक वचन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक शब्द होते हैं, जो आदर भाव वाले होते हैं, जैसे प्राण दर्शन आंसू हस्ताक्षर समाचार यदि हम कहते हैं या हम प्रजा कहते हैं तब ये हमारे लिए बहुवचन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इसलिए निम्न
निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन है? तो ऑप्शन नंबर बी प्राण हमारे लिए बहुवचन है। नेक्स्ट है संबंध सूचक सर्वनाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए कुछ, ऑप्शन नंबर बी वहाँ, ऑप्शन नंबर सी जो, और ऑप्शन नंबर डी कौन। जब एक सर्वनामिक शब्द का संबंध दूसरे सर्वनामिक शब्द से जोड़ा जाता है तो वहाँ रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंध सूचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वह कौन है जो मधुर स्वर में गा रहा है। अब वह एक सर्वनामिक शब्द है, कौन भी सर्वनामिक शब्द है, उसका संबंध जो से जुड़ा रहा है, इसलिए कुछ हमारे लिए अनिश्चित सर्वनाम है, वहाँ एक स्थान का नाम है, कौन प्रश्नवाचक है। सो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे लिए संबंध सूचक सर्वनाम है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किस कारक में से का प्रयोग साधन के लिए किया जाता है या साधन के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपादान, ऑप्शन नंबर बी करण, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान, और ऑप्शन नंबर डी संबंध। किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता किसी साधन या माध्यम का प्रयोग करता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, लिखना क्रिया है, माध्यम क्या हुआ कलम से। मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ, जाने का माध्यम कौन हुआ साइकिल। तो किस कारक में इसका प्रयोग साधन के लिए प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करण आपका ऑप्शन नंबर बी है, जहाँ से का प्रयोग साधन के लिए किया जाता है। अच्छा देखिए ऑप्शन नंबर ए अपादान दिया है, आप अपादान में भी से पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा कि जो अपादान से और संबंध आपका करण से दोनों में डिफरेंस है। अगर वह कहता है मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ तो विद्यालय जाने का माध्यम बना साइकिल, ठीक है। लेकिन कहता है मैं जाते वक्त साइकिल से गिर गया तो यहाँ पर वो हमारे लिए अपादान हो जाता है, क्योंकि साइकिल से उसका पृथक हो जाना है, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन नंबर ए दिया है अपादान। आप क्या गलती करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो फट से आप इस तरह चीज़ों को ऐड करने लगते हैं। तो वाक्य में अगर ऐसी कोई मिस्टेक हो जाती है तो माइनस मार्किंग हो जाता है। और दूसरी बात, जहां आप इस तरह की गलती करते हैं तो आपको अगर दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है तो उस वाक्य के अर्थ को समझिए, ठीक है। मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूं तो विद्यालय जाने का माध्यम है साइकिल, जाते वक्त मैं साइकिल से गिर गया कहता है तो यहाँ भी से प्रयोग हुआ, परंतु यहाँ आप साइकिल से अलग हो गए, इसलिए इसका ऑप्शन है साधन के अर्थ के लिए करण से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे लिए अगला प्रश्न है किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। अब आप कहेंगे कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है, तो मैं बता दूं, जब कभी किसी शब्द में एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग किया जाए, जब किसी शब्द में एक व्यंजन का दो बार प्रयोग किया जाए तो वहाँ द्वित्व व्यंजन होता है। ऑप्शन दिया है पुनः, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है उत्साह, और ऑप्शन डी है दिल्ली। मैंने अभी बताया कि जिस शब्द में एक ही वर्ण का दो बार प्रयोग किया जाए, यहाँ पर ल का दो प्रयोग है। इसी प्रकार यदि हम हिम्मत कहते हैं, यदि हम बिल्ली कहते हैं, तो जब एक व्यंजन का दो बार प्रयोग किया जाए वहां द्वितीय व्यंजन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बनता है हमारे लिए दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका शुद्ध वर्तनी पहचानिए। शुद्ध वर्तनी पहचानिए, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है इस रूप में, ठीक है, अगला दिया हुआ है इस रूप में, ठीक है, अगला दिया है इस तरह, और लास्ट वन दिया है इस तरह, ठीक है। अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। शुद्ध वर्तनी बतानी है, हम पढ़ते हैं इसे। जब किसी व्यंजनों के मध्य हलंत वाला र आता है तो उसका साउंड हलंत वाला र है तो र पढ़ेंगे। अब अगर हम इसको पढ़े तो निर्दर्शन होगा, निर्दर्शन, इसको पढ़ेंगे तो निदर्शन होगा, इसको पढ़ेंगे निर्दर्शन होगा, और इसको पढ़ेंगे निदर्शन होगा, ठीक है। इसे शुद्ध वर्तनी क्या कहती है, निदर्शन, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो आपके निदर्शन के अर्थ को बतलाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में,
अगला प्रश्न कहता है युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द होगा। अब ये हमारे लिए वन वर्ड आंसर का क्वेश्चन है। मैंने वन वर्ड आंसर के दो अलग प्रश्न बताए थे। अब जैसे सिंपल पूछा जाता है वैसा है कि युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द होगा जिज्ञासु, युयुत्सु, वीर या योद्धा। इसमें से आंसर नंबर बी युयुत्सु एक जापानी शब्द है जिसका प्रयोग युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए किया जाता है। तो जिज्ञासा की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु है, जो पराक्रम से परिपूर्ण है वो वीर है, जो युद्ध करने वाला है वो योद्धा है, लेकिन युद्ध की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है युयुत्सु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सपरिवार में समास है कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व और बहुव्रीही। सपरिवार, ठीक है, आपको बता दें कि बहुव्रीही समास का ये उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी कि ये सपरिवार है जो बहुव्रीही समास है। बहुव्रीही समास एक विशेष तौर का समास है कि बहुव्रीही समास क्या है, जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की पहचान या विशेषता बताते हैं, जिस समास का प्रथम और द्वितीय शब्द पद मिलकर किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता बताएं वहाँ होता है बहुव्रीही समास। और आपको पता है कि बहुव्रीही समास छह प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण, व्यतिहार, सह बहुव्रीही, संख्या बहुव्रीही और मध्यम पद बहुव्रीही। और थोड़ा सा बहुत शॉर्ट टर्म में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कारक रचना होकर भी अगर वो तीसरे पद की प्रधानता बता रहा है, जिस कारक रचना पर दोनों पदों के विग्रह में समान अधिकार हो वो समानाधिकरण बहुव्रीही हुआ। दोनों पदों के बीच में अगर हम विभक्ति करते तो दोनों शब्द पदों में अलग अलग कारक विभक्ति है, कारक विभक्ति होकर भी अगर किसी अन्य पद की पहचान बता रहा है तो व्यधिकरण बहुव्रीही समास होगा। इक्वल वर्ड्स का रिपीटेशन है और किसी अन्य पद की व्यवहार बता रहा है तो व्यतिहार बहुव्रीही बताएगा। संख्यावाची होकर समूह होकर भी अन्य पद की पहचान बताता है तो संख्या बहुव्रीही होगा। ठीक है, विशेषण और विशेष्य होकर भी अगर किसी अन्य शब्द पद की पहचान बता रहा है तब हमारे लिए वो मध्यम पद लोपी बहुव्रीही होगा। और उसी तरह जब एक उपसर्ग की तरह जुड़कर भी, जैसे यहाँ पे स बोले, स जो है ये परिवार के साथ, अगर हम इसका विग्रह करें तो परिवार के साथ, और संस्कृत में साथ को क्या कहते हैं, सह, इसलिए यह सह बहुव्रीही का समास है कि परिवार के साथ मतलब ऑल कैंडिडेट ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पर सपरिवार में है बहुव्रीही समास। ठीक है, अब एक है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, ऑप्शन नंबर ए अभियोग, ऑप्शन नंबर बी व्यायाम, ऑप्शन नंबर सी अपमान और ऑप्शन नंबर डी उन्नति। देखें यहाँ पर तो अभियोग में अभी उपसर्ग है। जब हम बात करें आपके शब्द व्यायाम का तो इसमें हम बात कर रहे हैं व्यायाम का, तो व्यायाम में हमारे पास ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, हम विधन आयाम कह सकते हैं, विधन आयाम कह सकते हैं जो व्यायाम बनाता है, जो आपके यण स्वर संधि की प्रक्रिया से निर्मित है, लेकिन यहाँ पर वि उपसर्ग की तरह जुड़ा हुआ है, प्रत्यय की तरह नहीं। हम अपमान कहते हैं, इस अपमान में मान जो है प्रत्यय के शब्द है और अप जो है वो उपसर्ग है, लेकिन हम उन्नति कह रहे हैं तो उत धन नति में उत जो है उपसर्ग है, तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर नंबर सी जिसमें मान प्रत्यय है, क्योंकि अभियोग में अभी उपसर्ग, व्यायाम में वि उपसर्ग, उन्नति में उत उपसर्ग है, लेकिन अपमान कहेंगे तो यहाँ पर मान प्रत्यय जो है वो जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक प्रश्न अगला हम देख लें कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सर्वनामिक। गुण संबंधी विशेषता क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, मतलब कि गुणवाचक, रूप, रंग, आकार, प्रकार, सौंदर्य जो है, स्वाद, गंध, स्पर्श, ये सब गुण हैं। संख्या संबंधी, अब यहाँ पर आपके कन्फ्यूज़न है संख्यावाचक बी में और कन्फ्यूज़न है ऑप्शन नंबर सी परिमाण में, तो संख्या होकर अगर वो सिर्फ काउंटेबल है कि दो बच्चे, 15 छात्र है ना, तब ये हमारे लिए संख्यावाची है, लेकिन लीटर, केजी
है ना, मिलीलीटर सेंटीमीटर। अगर कहता है कि नाप और तौल है तो परिमाण, और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, मतलब उसने दूध पिया कितनी क्वांटिटी में, आधा लीटर, तो परिमाण है क्योंकि दूध आधा लीटर है, इसलिए इसका आंसर बनता है आंसर नंबर सी, परिमाणवाचक विशेषण। एंड लास्ट वन क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए, शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष या भाव संबंधी बोध कराने वाला शब्द है भाववाचक संज्ञा, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी नाम से जानते हैं। तो शत्रु में ता प्रत्यय लगाकर हमने बना दी शत्रुता, वीर जो है वो हमारे लिए एक भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, गुरु जातिवाचक संज्ञा है, वीर भी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि कोई एक वीर नहीं। लेकिन वीर में यदि हम ता लगा दें, यदि हम मनुष्य में ता लगा दें और गुरु में ता लगा दें, तब ये भाववाचक संज्ञा बनती है। इसलिए जो तीन ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी वीर, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य और ऑप्शन नंबर डी गुरु, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। इन्हीं जातिवाचक संज्ञा में से शत्रु जातिवाचक संज्ञा में ता प्रत्यय लगाकर वीरता का निर्माण किया, और इस तरह हिंदी में आपको तमाम प्रकार के प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, एक ही टॉपिक से अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो है वो हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप अपने जीवन में बहुत सफल बने। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।